हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और मैं हूं परवीन, आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें। आज का जो हॉल होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत सा हॉल है। आज का हॉल है मीशो का वेस्टर्न वियर का टॉप्स का हॉल। मेरे पास टोटल आज 4 टॉप हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉप के साथ। मेरा पहला टॉप है जो कि है ये बहुत ही प्यारा है। ऊपर की तरफ ये आपको स्ट्रेचेबल ऐसे पैनल मिलता है, यहाँ पे आपको नेक के पास ऐसे रफल मिल जाते हैं, छोटे छोटे गैदर्स वाले प्लेट्स। आपको ये स्लीव मिल जाती है, यहाँ स्लीव्स पे शोल्डर पे आपको इलास्टिक मिलती है जिससे कि आपके शोल्डर पे अच्छे से फिट हो पाए। और ये है नेट में है इसका जो स्लीव है, ये नेट फैब्रिक का है और इस पे छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी हुए हैं, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंट नहीं है। जब मैंने इसे मंगाया था तो मुझे लगा था कि ये प्रिंट है, बट जब मुझे ये रिसीव हुआ तो ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है। तो एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से इसका लुक थोड़ा सा और खुल करके आता है, तो बहुत प्यारा लगता है। और इसके स्लीव्स पर ये नीचे की तरफ आपको ऐसे इलास्टिसिटी मिल जाती है जो आपके हैंड्स पे रिस्ट पे फिट हो जाती है, जिससे कि इससे अच्छे से पफ जैसा लुक आता है, तो बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास भी आपको इस तरह से ये गैदर्स मिल जाते हैं, सेम वही एम्ब्रॉयडर्ड वाली फैब्रिक है। देखिए छोटे छोटे बूटे हैं जो एम्ब्रॉयडरी है, ये वेस्ट पे आपके फिट हो जाती है और ये गैदर्स ऐसे दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत है गाइस, ये मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप भी मिल जाती है जो कि आपके नेक को ड्रॉप नहीं होने देती है, और यहाँ पे जो इलास्टिक है इस वजह से यहाँ पे लगी हुई है ताकि आपका ये जो स्लीव्स है यहाँ से ड्रॉप ना हो। तो ये बहुत ही ऑल ओवर बहुत ही प्यारा है, ये आप इसे ज़रूर एक बार से ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत प्यारा है। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मुझे रिसीव हुआ है 448 रुपीज़ की, तो वर्थ बाइंग है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, पार्टी वियर है, बहुत प्यारा है ये। इसका ट्राई ऑन मैं आपको करके दिखा दूंगी, बहुत प्यारा है ये। और अगर आपको ये हॉल पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार से ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉप्स के हॉल आपके साथ शेयर कर पाऊँ, वेस्टर्न वियर हॉल आपके साथ शेयर करूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है ये वाला हॉल, तो उसके बाद मैं आपके साथ और भी मीशो के वेस्टर्न वियर के हॉल शेयर करूंगी, जिसमें ड्रेसेस होंगे, टॉप्स होंगे, जंप सूट वगैरह होंगे, जो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है पर्टिकुलर, तो आप उसका कोड भी मेरे साथ शेयर करिए ताकि मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ कर सकूँ। सेकेंड है ये, इसकी इमेज मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप देखिएगा इमेज में ये इतनी प्यारी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। बट जब ये मुझे रिसीव हुई है मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई, पर्सनली ऑनेस्टली मैं आपसे बता रही हूँ, ये मुझे इसकी फैब्रिक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये है 495 रुपीज़ की, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, 500 बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद आती है तो आप बाई कर सकते हैं। ये इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही पुअर है, बैड क्वालिटी, बहुत बैड क्वालिटी। ये अब जो क्रेप वाली फैब्रिक, क्रेप फैब्रिक, ये क्रेप से भी बेकार है, क्रेप थोड़ी ठीक होती है, जो पॉलिस्टर होती है बहुत सी हल्की सी है, ये आप वन वॉश के बाद ये आपको बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहेगी। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाला खरीदिए, बट आपकी चॉइस है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि यहाँ पे ढेर सा बलून जैसा लुक आ रहा है, पफ लुक आ रहा है, बट उतना ज़्यादा बलून पफ वाला लुक नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, प्लेट्स यहाँ पे बनी हुई है थोड़ी थोड़ी, बट वैसा लुक नहीं है जैसा कि इमेज में उन्होंने शो किया है। प्रिंट वगैरह तो सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ ठीक वैसा है, बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने, बट वैसा है नहीं। अगर फैब्रिक की क्वालिटी थोड़ी अच्छी किया होता तो ये आप एक बार से ट्राई कर सकते थे, बट
मुझे नहीं लगता कि आपको 500 रुपये अपने वेस्ट करने चाहिए इसके साथ, तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी आप ये ख़रीदिए, लेकिन आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद आती है तो आप बाय कर सकते हैं। इसका भी कोड मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से शेयर देख लीजिएगा इसे। ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई है, बट आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रिव्यू तो आप इसीलिए देखते हैं ना कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो ये अच्छी नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल सकती कि अच्छी है, ताकि आप इसे परचेज़ करने के बाद से बोलें कि बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। ये इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे बाय करें। और इसके बाद है मेरे पास ये थर्ड टॉप है जो वाइट कलर का है। ये भी ऑफ शोल्डर है, आप चाहें तो इसे शोल्डर पे ऐसे चढ़ा करके पहन सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मिल जाती है आपको शोल्डर पे दो स्ट्रिप, जो कि यहाँ से एडजस्टेबल है। आप इसे कम ज़्यादा ऐसे साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर के पास ये जो नेक वाला एरिया है, यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है। ये इस तरह से रफल्स वाला है, फ्लेयर बना हुआ है, आप देख पा रही होंगी। और यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी इस तरह से ऐसे रफल बने हुए हैं। इसकी जो स्लीव है ये 3/4 है, और स्लीव्स के पास भी ऐसी इलास्टिक लगी हुई है जिससे कि ये रफल्स जैसा लुक आता है, उसे बहुत प्यारा लगता है। ये बहुत ही प्यारा टॉप है, इसमें कई सारे कलर ऑप्शन थे, तो मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है तो मैंने वाइट वाला ही मंगाया है। बट आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद आता है आप वो मंगा सकते हैं। ये आई थिंक मुझे मिला है 340 रुपीज़ का, तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसकी फैब्रिक वगैरह है ये ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी का नहीं है, बट ये है कि जितना आप प्राइस पे कर रहे हैं उस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है इसकी क्वालिटी। जो फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया था फोन कलर का, जो इलास्टिक वाला, जिस इसी तरह का जो मैंने आपको टॉप दिखाया है, उसकी भी जो है उसमें भी ढेर सारे कलर ऑप्शन थे, उसमें भी आप जो कलर पसंद आता है आपको वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसे ले सकते हैं 340 रुपीज़ में, ये ठीक है। तो इसके बाद है मेरे पास ये ग्रीन कलर का टॉप, ये भी मीशो से ही मैंने लिया। ये इतना ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि बोलते हैं ना गाइज शो स्टॉपर, तो आज के हॉल का ये शो स्टॉपर टॉप है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसकी जो फैब्रिक है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो प्लीटेड वाली फैब्रिक आती है ना, प्लीटेड है ये, जिसकी वजह से ये थोड़ी स्ट्रेचेबल हो जाती है, ये वो वाली फैब्रिक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें प्लीट्स दिख रही है, और ऐसे इस तरह से स्ट्रेच करने पे ये अच्छी खासी स्ट्रेच हो रही है। तो मैंने इसे मंगाया था मेरे नॉर्मल साइज़ में, बट ये मुझे पहनने पर लूज़ सी थोड़ी हो रही है, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है इस वजह से, और इसकी स्लीव जो है ना ये थोड़ी हेवी है, इस वजह से क्या ये थोड़ी लूज़ लग रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका जो भी साइज़ है आप उससे वन साइज डाउन ही आप इसको मंगवाएं। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसे आप ज़रूर से मंगा सकते हैं, एक बार से ट्राई आप ज़रूर कर सकते हैं। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, ये आप चाहें तो इसे एज अ ड्रेस वेयर कर सकती हैं। इसकी जो स्लीव्स है ये रफल है इसकी स्लीव, और इसकी स्लीव्स में यहाँ पर कुछ कड़ी कड़ी हार्ड सी कुछ इसमें पड़ी हुई है पाइपिंग में, इसके प्लैकेट की तरह, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ऐसे वेवी इसमें कर्व आती है। बहुत ज़्यादा प्यारी है ये, आप देख पा रहे होंगे ऐसे रफल वाली है, पहनने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैं साथ में जो ट्राई ऑन का वीडियो लगाऊंगी आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 702 रुपीज़, ये वर्थ है, आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छी है ये वाली टॉप, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद है मेरे पास ये टेसल वाली इयरिंग, जो कि टेसल वाली इयरिंग तो फैशन में है, ये 100 प्लस की है, 120 या 30 की है, रेशम वाली धागे की सिल्क थ्रेड की इसमें टेसल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी है ये। इन सारे ड्रेसेस के साथ आप पहनेंगे इसे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली है, इसे भी आप ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने ये जो टॉप पहन रखा है ये मैंने आजियो से लिया हुआ है, फुल स्लीव की है, चूड़ीदार स्लीव जैसे आती है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। ये पीच कलर की है,
ये मैंने मंगाया था ऑफर में ओनली 135 रुपीस की। आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्की हल्की लाइनिंग दिख रही है, ये पूरी प्लेन नहीं है, इसमें हल्की 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 जरा से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है। बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है, फैब्रिक की बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है आप उसे कोड के थ्रू जा करके मीशो पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसके अलावा और भी कोई अगर प्रोडक्ट देखना हो तो आप उसका जो कोड है या फिर लिंक है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए उसका रिव्यू ज़रूर कर दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।